मेरे उस्ताद हमेशा कहते थे, उमेर ब्रिलियंट जॉब, डोंट लेट इट गेट टू योर हेड। बस ये जो काम है ना, ये दीवाना कर देता है लोगों को। आप गए, 300 लोग हैं, आपने कहा स्टैंड अप एवरीवन, सब खड़े हो गए। घर में आपके दो निक्के आपकी बात नहीं सुनते। उधर ट्रेनिंग में 300 बंदा आपके कहने पे खड़ा हो जाता है, आंसू बहा रहा है, हरकतें कर रहा है, स्कैवेंजर कर रहा है, चीजें कर रहा है, तो दिमाग पे चढ़ जाती है। बहुत सारे ट्रेनर्स के दिमाग पे मैंने चढ़ते हुए भी देखी है। बस आप इन चेक रहे, और इन चेक रखने का अपने आप को क्या तरीका है कि अपने आप को एक ग्रैंड स्कीम में प्लेस करें। चार लूजर्स के दरमियान प्लेस करेंगे तो आप महान हैं, दुनिया के सामने प्लेस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप कहाँ हैं। Alright, let's keep our egos in check. Egos can stop us from learning new because it makes us believe we already know. You can't know everything. You can't know everybody's story. That's just not true. Unlearn ego शनाख्त में बन जाती है। कॉफी को 300 साल लगे एक्सेप्ट होने में। The problem wasn't the drink itself. The challenge was the identity. मसला दाढ़ी का, शलवार कमीज का नहीं, मसला शनाख्त का है। मसला जमात का नहीं है, मसला शनाख्त का है। That's what people kill on. So imagine that. When that comes into question, that's the highest form of ego. My shanakht is bigger than everybody else. That's the only right shanakht. Any com that will have that will be violent in its own ways.